What matters the most? Bharat matters. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। सितंबर 2013 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी द्वारा अपने पीएम कैंडिडेट के तौर पर ऑफिशियली आगे किया गया, तब शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो 10 साल से सत्ता में बैठी यूपीए का किला इतनी आसानी से ढा देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती फैन फॉलोइंग और उन्हें जनता से मिलने वाले पॉपुलर सपोर्ट का ही नतीजा है, जिसके बलबूते न केवल वो अपने 2 टर्म पूरे कर चुके हैं, बल्कि इस बात की भी प्रबल संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 2024 के जनरल इलेक्शंस में भी मोदी एक बार फिर अपना जादू चला सकते हैं। 2024 के इलेक्शंस में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी देश भर में इस बात को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि बीजेपी की ओर से अगला पीएम कैंडिडेट कौन होगा। क्योंकि अगर हम बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वहाँ एक तरह से यह परंपरा रही है कि 75 साल से ऊपर के नेताओं को बीजेपी एक्टिव पॉलिटिक्स के बजाय मार्गदर्शक मंडल में जगह देती है, ताकि पार्टी को ऐसे एक्सपीरियंस लीडर से मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और यंगर जनरेशन को पॉलिटिक्स में जगह दी जा सके। ऐसे में अगले इलेक्शन तक नरेंद्र मोदी अपने उम्र के 73 साल पूरे कर चुके होंगे, इसलिए अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या बीजेपी एक बार फिर नरेंद्र मोदी को ही अपने पीएम कैंडिडेट के तौर पर थर्ड टाइम फोरफ्रंट पर रखकर जनरल इलेक्शंस में आगे बढ़ेगी, या फिर इस बार वो किसी दूसरे चेहरे को जगह देगी। हो तो ऐसा भी सकता है कि नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आए और अपने थर्ड टर्म को कंप्लीट करने के पहले ही पीएम मोदी अपना पद किसी यंगर और एलिजिबल कैंडिडेट को सौंप दें, ताकि भविष्य के लिए देश और खासतौर पर बीजेपी के नेतृत्व को तैयार किया जा सके। ऐसे में कयासों के बीच भारतीय जनता पार्टी के जिन चेहरों को लेकर सबसे ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है, उनमें से एक प्रमुख नाम है उत्तर प्रदेश के सेकेंड टाइम सिटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो न केवल नरेंद्र मोदी की तरह ही एक डायनेमिक लीडर माने जाते हैं, बल्कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कुछ लोग तो उन्हें यंग मोदी भी कहते हैं। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पीएम कैंडिडेट और देश के भावी पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, ये बात सही है कि 2017 के यूपी स्टेट इलेक्शन को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी और उनकी ब्रांड इमेज को आगे करके ही लड़ा था, और उस समय यूपी स्टेट असेंबली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का सेहरा सेंट्रल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की इमेज और अमित शाह के स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट के सर ही बांधा गया था, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस और उनके मुस्लिम वोटर्स के पोलराइजेशन के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नारे के साथ हुए रिवर्स पोलराइजेशन की मदद से स्टेट असेंबली में 300 का आंकड़ा पार कर दिया था। यही कारण है कि बीजेपी के यूपी इलेक्शन जीतने के बाद भी एक लंबे समय तक इस बात पर चर्चा जारी थी कि आखिर यूपी का अगला सीएम कौन बनेगा। यही नहीं, इस मंत्रणा में 2019 के अपकमिंग जनरल इलेक्शंस को देखते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर जैसे राजनाथ सिंह और मनोज सिन्हा से लेकर स्टेट के जातीय समीकरणों को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य और संतोष गंगवार तक के नाम सामने आ रहे थे, मगर तब इन सब के बीच बाजी मारी योगी आदित्यनाथ ने, और तभी से योगी आदित्यनाथ ही यूपी में बीजेपी के पोस्टर बॉय बने हुए हैं, जिसके चलते बीते साल हुआ यूपी असेंबली इलेक्शन बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को आगे करके लड़ा भी और एक बार फिर जीता भी, जिसका कारण हमें उनके काम करने के तरीके में ही दिखाई देता है, जहां उनकी नो नॉनसेंस गवर्नेंस, क्राइम के अगेंस्ट हार्श एक्शंस और करप्शन फ्री गवर्नमेंट की वजह से लोगों में उनके प्रति विश्वास तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि यूपी के आम लोग अक्सर ये बात करते पाए जाते हैं कि योगी के कुर्ते में जेब नहीं है। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, जब अपने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना तो छोड़िए, इसके बारे में सोचने से भी डरते थे। आफ्टर ऑल 1970s से ही उत्तर प्रदेश ने ऐसे नामी गिरामी गैंगस्टर्स को जन्म दिया था, जिनके चलते उत्तर प्रदेश किडनैपिंग, लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन और गैंग वॉर्स का गढ़ बन गया था। इसका एक कारण यह भी था कि राज्य की पुलिस यहाँ के पॉलिटिशियंस की धुन पर नाचने को मजबूर थी, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स के साथ साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, और उस पर भी सरकार का खौफ ऐसा था कि कोई आवाज उठाने से भी डरता था, और इस डर से सरकारी अफसर भी इससे अछूते नहीं थे। लेकिन हाल के सालों में योगी गवर्नमेंट की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से ही जहां एक ओर यूपी के ऑर्गेनाइज क्राइम में कमी आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी तेजी से हो रहा है। यूपी की एनकाउंटर या बुलडोजर गवर्नमेंट के चर्चे देश भर में है, जिसका प्रचार
प्रेस और पब्लिक ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ खुद करते हैं। यही कारण है कि जहां एक ओर एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि योगी राज में उत्तर प्रदेश में क्राइम्स में गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने के वादे पर भी सीएम योगी खरे उतरते पाए जाते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में तब और भी खास हो जाती है जब हम देखते हैं कि बीते कुछ सालों में राम जन्मभूमि से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद तक उत्तर प्रदेश में ढेरों ऐसे मुद्दे ज्वलनशील बने रहे जो धर्म के नाम पर राइट्स को फैलाने के लिए काफी थे, लेकिन फिर भी यूपी में दंगों के केसेस का ग्राफ नेशनल एवरेज से भी ज्यादा तेजी से नीचे आया है। दूसरी ओर हम आज की स्थिति में देखें तो उत्तर प्रदेश में इंडिया के सबसे ज्यादा 13 एक्सप्रेसवेज हैं। यही नहीं, गवर्नमेंट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में मेट्रो ट्रेन भी डेवलप की जाएंगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2400 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन कर भी दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने वाला है जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। इसी तरह जिस तरह बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के रिलीजियस साइट्स को मेकओवर करके जिस तरह यहां पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे देश की संस्कृति को तो एक्सपोजर मिल ही रहा है, साथ ही रोजगार के नए अवसरों को उत्पन्न करने का काम भी हो रहा है, जिससे यहाँ की टूरिज्म के साथ साथ टेम्पल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला है। वहीं जहाँ एक समय उत्तर प्रदेश के नोएडा, कानपुर और लखनऊ जैसे सो कॉल्ड डेवलप्ड सिटीज में भी इस कदर पावर कट देखने को मिलते थे कि घरों में भी लोग परमानेंट डीजल जनरेटर्स लगवाने को मजबूर थे, तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के गांव देहात में भी 18 घंटे पावर सप्लाई दी जा रही है। हालांकि ये बात सही है कि गर्मी के मौसम में जब पावर डिमांड अपने पीक पे होती है तो आज भी उत्तर प्रदेश में फ्रीक्वेंट पावर कट्स देखने को मिलते हैं। यही नहीं, गांव देहात में भी सिर्फ 12 से 14 घंटे की बिजली ही उपलब्ध हो पाती है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि जो उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से ही सो कॉल्ड बीमारू राज्यों का फ्लैग बेयरर स्टेट बना रहा है, उसमें बीते कुछ सालों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जो एक पॉजिटिव स्टेप है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेट हेल्थ इंडेक्स में भारत के बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस शो की है। जाहिर है कि देश की 1/6 पॉपुलेशन को खुद में समेटे हुए और डेवलपमेंट के मामले में लिस्ट में सबसे पीछा खड़ा उत्तर प्रदेश रातों रात डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन योगी सरकार के इन कदमों से उनकी मंशा साफ देखी जा सकती है। आफ्टर ऑल, देश को सबसे ज्यादा 8 प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश के लिए जो पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी वो अब शुरू हुई है। और इस बात का प्रमाण हमें इस बात से भी मिलता है कि इसी साल फरवरी में उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूपी को 33 लाख करोड़ से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले थे, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में यूपी में 93 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगी। यही कारण है कि हाल ही में इंडिया टुडे और सी वोटर्स द्वारा मिलकर कराए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी योगी आदित्यनाथ को देश का बेस्ट सीएम माना गया। हालांकि इंडिया टुडे के सर्वे को कराने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए गए। साथ ही ऑपोजिशन पार्टीज के अनुसार योगी एनकाउंटर्स और बुलडोजर की आड़ में स्टेट में माइनॉरिटीज को दबाने और क्राइम कम करने में अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन के इन आरोपों पर उस समय प्रश्न चिन्ह खुद ब खुद खड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि यूपी जैसे बड़े स्टेट में बीते साल ही सेकेंड टाइम एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ योगी गवर्नमेंट अपनी सरकार बना लेती है। साथ ही हाल ही में हुए यूपी लोकल बॉडीज इलेक्शन में बीजेपी का क्लीन स्वीप दिखाता है कि इस राज्य में लोगों में योगी सरकार की चमक आज भी बरकरार है। लेकिन हर सरकार की तरह इस सरकार की भी कुछ अपनी नाकामियां हैं, लेकिन सारे सिनेरियोस को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी ने अपना एक ब्रांड जरूर बिल्ड किया है और वो ब्रांड काफी स्ट्रांग है। तो अगर हम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करें तो हमें इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण के लिए जैसे हमने यूपी के योगी ब्रांड ऑफ गवर्नेंस को देखा, वैसे ही एक समय में सीएम मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा आम बात थी, जहां सीएम नरेंद्र मोदी की ऑनेस्ट और प्रोग्रेसिव गवर्नेंस को 21st सेंचुरी के गुजरात के डेवलपमेंट की बैकबोन बताया जाता था। ये सीएम मोदी का गुजरात मॉडल ही था जिसने उन्हें 2014 के जनरल इलेक्शंस की पीएम रेस में बीजेपी की ओर से सबसे आगे खड़ा कर दिया था। कुछ कुछ वैसा ही विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को गुजरात से और गुजरात के सीएम मोदी के लगभग 13 साल के टर्म को सीएम योगी के 6 साल के टर्म से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों की ही आगे बढ़ने की दिशा एक ही है
और कहीं ना कहीं कार्यशैली भी, जहां जमीन पर कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर फ्रैक्शंस क्रिएट करने के बजाय डेवलपमेंट और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को प्रायोरिटी देने की बात की जाती है। वहीं दूसरी ओर यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के ह्यूमंगस साइज और पॉपुलेशन को भी गुजरात से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस बात में कोई दोराय नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को गवर्न करना और उसे डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। वहीं अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि अपनी कम उम्र के बाद भी योगी आदित्यनाथ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के मामले में नरेंद्र मोदी जैसे वरिष्ठ लीडर से ज़्यादा पीछे नहीं है। जी हाँ, जैसे नरेंद्र मोदी ने अपना राजनीतिक जीवन 2002 में हुए गुजरात असेंबली इलेक्शन की राजकोट वेस्ट सीट के लिए हुए बाई इलेक्शंस में मिली जीत से शुरू किया था, जिसके बाद वो तीन बार लगातार मणिनगर सीट से जीत कर असेंबली में पहुंचते रहे और जब 2014 में उन्होंने वाराणसी से लोकसभा के लिए पर्चा भरा तो एक नया इतिहास ही रच दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह सफर नरेंद्र मोदी से लगभग चार साल पहले 1998 के जनरल इलेक्शंस के साथ ही शुरू हो गया था, जहां उन्होंने महज 26 साल की उम्र में गोरखपुर लोकसभा सीट को जीतकर इतिहास दर्ज कर दिया था। यही नहीं, वो इसी सीट से लगातार 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स में जीतकर लोकसभा में पहुंचते रहे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इन दोनों ही लीडर्स को स्टेट असेंबलीज, पार्लियामेंट में काम करने के एक्सपीरियंस से लेकर एक स्टेट को लीड करने तक कंपेरेबल एक्सपीरियंस प्राप्त है। लेकिन इतने लंबे पॉलिटिकल करियर के बाद भी ये दोनों ही नेता करप्शन के दलदल और परिवारवाद दोनों से ही दूर खड़े दिखाई देते हैं, जिस वजह से दोनों को ही अपनी क्लीन इमेज की वजह से पब्लिक से पूरा सपोर्ट मिलता रहा है। यही कारण है कि जहां एक ओर नेशनल लेवल पर पीएम मोदी के पीछे गुजरात की जनता खड़ी दिखाई देती है, तो वहीं सीएम योगी के साथ समूचा पूर्वांचल। दूसरी ओर अगर हम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि दोनों की ही शुरुआत हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ शुरू हुई थी, जिसमें भले ही वक्त के साथ थोड़ी नरमी जरूर आई, लेकिन इन दोनों ने अपनी बेसिक आइडियोलॉजी को कभी नहीं छोड़ा। यही कारण है कि बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस में भी ये दोनों ही अपनी पूरी पैठ रखते हैं, जहां एक ओर नरेंद्र मोदी गर्व से भगवा और हिंदुत्ववादी राजनीति की बात करते हुए सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, तो ठीक उसी तरह योगी भी हिंदुत्व का झंडा उठाए हुए सबको साथ लेकर चलने और एक इक्विलेटरियन सोसाइटी को बिल्ड करने की बात करते हैं। तभी तो ये दोनों लीडर्स राम जन्मभूमि, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत जैसे मुद्दों के साथ खड़े दिखाई देते हुए भी सोसाइटी के ओवरऑल डेवलपमेंट को एंश्योर करते देखे जाते हैं। फिर चाहे वो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के लिए उनके द्वारा लॉन्च की जा रही गवर्नमेंट स्कीम्स हो या फिर देश और स्टेट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम्स। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बीते दो दशक में ऑपोजिशन द्वारा सीएम और पीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी और बीते 6 सालों में सीएम योगी पर हिंदू आइडियोलॉजीज को पुश करने के आरोप भले ही लगाए जाते रहे हों, लेकिन इस बात में कोई दोराय नहीं है कि दोनों ने ही अपने गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल से एक एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस शो करी है। हाँ, ये बात सही है कि कोविड के सेकेंड वेव के दौरान सेंटर में मोदी और यूपी में योगी दोनों के ही गवर्नेंस मॉडल पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया, लेकिन शायद हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए कि ये सदी में एक बार होने वाली त्रासदी है, जिसके लिए पूरी तरह तैयार रह पाना और एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, इन सभी सिमिलैरिटीज के बीच भी योगी आदित्यनाथ के पास एक ऐसी एज है और वो है उत्तर प्रदेश की स्टेट असेंबली में 403 सीट्स, जबकि गुजरात में ये आंकड़ा महज 182 था। यही नहीं, लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश की 80 सीट्स हैं, जबकि गुजरात की महज 26। ऐसे में यदि योगी आदित्यनाथ राजनीति के नजरिए से देश के सबसे बड़े सूबे पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, तो आने वाले जनरल इलेक्शंस के नजरिए से ये बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत है। साथ ही जनरल इलेक्शंस के लिहाज से उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंस को समझते हुए यदि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को अपना पीएम कैंडिडेट घोषित करती है, तो उसका सीधा फायदा उसे उत्तर प्रदेश की सीट्स के साथ साथ नेशनल लेवल पर भी देखने को मिल सकता है। यही नहीं, जिस तरह अपनी हिंदुत्व और इंडिया फॉर इंडियंस की आइडियोलॉजी के साथ एक समय में नरेंद्र मोदी ने देश भर में अपनी वेव चलाई थी, वैसा ही कुछ आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ भी कर सकते हैं, और शायद ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह समझती है। तभी चुनाव चाहे कर्नाटका का हो या फिर वेस्ट बंगाल का, योगी आदित्यनाथ हमेशा बीजेपी के स्टार कैंपेनर अपॉइंट किए जाते हैं। मगर इस सब के बाद भी सीएम योगी के पीएम योगी बनने की राह में कुछ अड़चनें दिखाई देती हैं। वो क्या, आइए जानते हैं। जैसा हमने देखा कि योगी के लिए अपने खुद के ब्रांड को बिल्ड करने में एक बड़ा कारण उनके हिंदू हार्डलाइनर इमेज का भी रहा है,
मगर उनकी यही इमेज उनके पीएम बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है, जिसका एक बड़ा कारण है उनका अटायर या वेशभूषा। जी हाँ, शौर्य और त्याग का प्रतीक माने जाने वाले भगवा रंग कहीं ना कहीं उनके हिंदू हार्डलाइनर इमेज को इंटेंसिफाई करने का भी काम करता है, जिसकी वजह से वो भले ही अपने गवर्नेंस मॉडल या फिर बीजेपी के सबका साथ सबका विकास वाले मोटो की बात करते हों, लेकिन उनका अटायर कहीं ना कहीं उनके हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फोरफ्रंट में ले आता है। फिर भी भारत जैसे विशाल और डाइवर्स देश में भले ही बात एक बार को एक्सेप्टेबल हो जाए, लेकिन भारत के पीएम को जिस तरह से इंटरनेशनल फोरम्स, विजिट्स और डिप्लोमेटिक डायलॉग्स में इंगेज होना पड़ता है, वहाँ उनकी वेशभूषा उनके साथ साथ कहीं ना कहीं भारत के लिए एक स्पेसिफिक या नीश इंटरनेशनल इमेज बनाने का काम कर सकती है, जो इंडिया के सेकुलर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ शायद कुछ हद तक मिसफिट दिखाई पड़ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान और उससे सिंपैथी रखने वाले मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इसे ग्लोबल फोरम्स पर भारत के अगेंस्ट एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूं तो इसी तरह की कोशिश तब भी हुई थी जब पीएम मोदी ने 2014 में देश की कमान संभाली थी, तब भी सारी दुनिया में उन्हें गुजरात राइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बताते हुए एक हिंदू फैनेटिक की तरह पेश किया गया था। ऐसे में इस बात में कोई दोराय नहीं है कि गोरखनाथ मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ के लिए भी ऐसे ही नैरेटिव की कोशिश उनके साथ भी होगी। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो समय के साथ पीएम मोदी के काम और मीडिया प्रेजेंस ने इस पूरे इशू को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया था। साथ ही जिस तरह पीएम के पद पर रहते हुए पीएम मोदी ने अपने हिंदुत्व हार्डलाइनर इमेज का कुछ हद तक सॉफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वैसा शायद सैफरन क्लैड योगी आदित्यनाथ के लिए कर पाना थोड़ा कठिन होगा। खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा कि योगी आदित्यनाथ इस सिचुएशन को कितना बखूबी टैकल कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के सामने पीएम बनने में एक बड़ा रोड़ा उनकी खुद की पार्टी भी हो सकती है, जहां कैरिज्मेटिक लीडर से लेकर मंजे हुए पॉलिटिशियंस तक की कोई कमी नहीं है। उदाहरण के लिए, योगी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे करने से पहले हो सकता है कि बीजेपी हाईकमांड को कुछ कठिन सवालों का जवाब देना पड़े। उदाहरण के लिए, यदि यूपी के दो टर्म के सीएम योगी पीएम पद के लिए एलिजिबल हैं, तो फिर एमपी के सीएम के पद पर 15 साल से भी ज्यादा का समय पूरा कर चुके शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं? या फिर बात अगर पॉलिटिकल एक्यूमेंट की है, तो फिर पीएम पद के लिए अमित शाह या हेमंता बिस्व शर्मा जैसे नाम पीछे क्यों हैं? और अगर पब्लिक इमेज और गवर्नेंस का ब्रांड ही पीएम मोदी के कैंडिडेचर का पैमाना है, तो नितिन गडकरी या एस जयशंकर भारत का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना तो इनके पास लीडरशिप की कोई कमी है और ना ही पॉजिटिव पब्लिक इमेज की। जाहिर है कि बीजेपी की तरकश में मौजूद इन सभी तीरों का सामना करने और इन कसौटियों पर परखे जाने के बाद ही योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर आगे रखा जा सकता है। मगर इन सभी इश्यूज की वजह से भी योगी आदित्यनाथ को एक यूनिक एडवांटेज मिल सकता है। क्या है वो, आइए जानते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब तक हमने देखा कि कैसे योगी आदित्यनाथ को एक सूटेबल पीएम कैंडिडेट बनने के लिए अपनी इमेज का मेकओवर करने की जरूरत पड़ सकती है, जहां उन्हें स्ट्रांग हिंदू हार्डलाइन छोड़कर सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ना पड़ सकता है, या फिर उन्हें पीएम कैंडिडेट के तौर पर सिलेक्ट होने के लिए अपनी ही पार्टी के दूसरे दिग्गजों से लोहा लेना पड़ सकता है। मगर इन दोनों ही इश्यूज में उनकी यूनिक आइडेंटिटी उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम भी कर सकती है। अगर आप करंट इंडियन पॉलिटिकल वेव को करीब से समझें, तो आप पाएंगे कि आजकल इसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो शायद पहले उठाए नहीं जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसमें राजनीति में लगातार बढ़ रहे परिवारवाद या वंशवाद का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही करप्शन जैसे मुद्दे तो दशकों से इंडियन पॉलिटिक्स का सेंट्रल डिबेट बने हुए हैं। वहीं इंडिया फॉर इंडियंस एंड इंडियन फॉर इंडिया के मुद्दे पर लगातार इन्फिल्ट्रेशन की बात होती है। साथ ही एक भारतीय के लिए अपनी भारतीयता पर गर्व करने और देश और उसकी संस्कृति के प्रति निष्ठा रखने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे जुड़ा हुआ एक मुद्दा हमें अखंड भारत के रूप में भी देखने को मिलता है। इसी तरह जनता की एक्सपेक्टेशन भी डेवलपमेंट बेस्ड गवर्नेंस मॉडल या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की ओर बढ़ी है। ऐसे में इन सभी करंट ऑनगोइंग इश्यूज के लिहाज से योगी आदित्यनाथ एक पोस्टर बॉय की तरह आइडियल कैंडिडेट नजर आते हैं, जिसका दावा बीजेपी से उनका कोई और कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ अनअपोलोजेटिकली लगातार इन सभी मुद्दों पर अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज जनता के सामने रखते रहे हैं। वहीं उनकी एक हिंदुत्ववादी छवि ऑल इंडिया लेवल पर रीजन, लैंग्वेज और कास्ट के बेसिस पर होने वाले वोट डिसइंटीग्रेशन पर अंकुश लगाकर बीजेपी के फेवर में वोट्स को
एकीकृत करने का काम कर सकता है। अब इस सब को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ने हैं। क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं योगी गवर्नमेंट की गवर्नेंस के, जो आगे चल के उनके पीएम पद की कैंडिडेटरशिप को सपोर्ट कर सकते हैं या उनके खिलाफ जा सकते हैं, इसका डिस्कशन भी आप कमेंट में कर सकते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।